कौन है नेक्स्ट? 500 कौन सर? भाई है ना? आ गया भाई, गाड़ी कौन बोला रे? मारो और भाई, अरे भाई फोटो दे, उतर गया रे, इतना ऊपर लेगा दो भाई, उधर अभी नीचे ले अभी ऊपर ले शॉर्ट देखना जा रहा है जो भी है ले। अरे ऑडी Thank you.
Okay, now everybody who loves Varun Dhawan, just say Varun. Dhawan. Dhawan. Say Varun. Dhawan. Dhawan. Okay, now keep quiet. Shh. Let's hear him talk. So keep quiet. Keep quiet. One sec. One sec. He's going to be here for you guys. So please relax. And my request to the media is he's here for you. So just relax. So today we are here today with a message that is Save the Beach. The message is Save the Beach. And Varun is here to support his staff. I'll hand over the mic to him. SIITV. Basically, आज World Environment Day और मैं इस जो हमारा फर्स्ट बॉटल क्रशर है जुबीच का उसका उद्घाटन करने जो फर्स्ट बॉटल क्रशर था उसका उद्घाटन करने आए थे हम लोग वहाँ पे जो था बहुत सिंपल चीज है ये जो मशीन है आपको कोई भी प्लास्टिक बॉटल दिखेगा आप वो मशीन में डाल सकते हैं वो अपने आप रिसाइकल हो जाएगा उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर फीड इन कर सकते हो और आपको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आएगा फ्रॉम सेव द बीच मैं जू पे कुछ तकरीबन 25 साल से 20 साल से रह रहा हूँ एंड मेरी पूरी जो बचपन है यार जू बीच पे मैंने गुजारी है हमेशा यहाँ पे आता था क्रिकेट खेलता था भागता था बीच के अंदर जाता था नहाता भी था जब मैं 10 साल का था जैसे फैमिलीज आजकल आते हैं यहाँ पे बट एज इयर्स हैव गॉन बाय हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन पॉपुलेशन हम लोग जिस तरीके से गार्बेज फेंकते हैं बीच पे तो बहुत नुकसान हो गया है बीच का तो इस सबका हम मस्ती सबको करना है वो सब मैं भी समझता हूँ मैंने भी बहुत किया मैंने भी कचरा फेंका है बचपन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ बट अब जब हम लोग बड़े हो गए हम लोग अगर बच्चों को सिखा रहे तो ये सिखाना चाहिए कि हम लोग को जो लिटर है वो हमें बीच पे नहीं करना चाहिए रोड पे नहीं करना चाहिए हम लोग को जेन्युइनली हमारा भारत हमारा जू भी स्वच्छ रखना चाहिए तो जितना भी कचरा है हमें आइदर इन डस्टबिन और आइदर इन सब अच्छे लोगों ने जो हमें डस्टबिन दिए है जो बॉटल क्रशर्स दिए उनका यूज करना चाहिए उनका उपयोग करना चाहिए प्लीज उसे डैमेज नहीं करना चाहिए एंड सिटीजन पुलिसिंग एक चीज होती है अगर आप देख रहे हो किसी ने कचरा ऐसे फेंक दिया तो आप जाओ उठा लो अगर आपके घर में किसी ने कचरा फेंका आप उठा देते हैं तो ये भी हमारा घर ही है तो प्लीज जाके उठाइए ठीक है अंदर ये मेरा हम्बल अपील है आप सबसे प्लीज थैंक यू और जितने भी बच्चे उधर प्लीज आराम से रखिए आई डोंट एनीवन टू गेट हर्ट मुझे जी मत बुलाई है अच्छा मैं आपको देखिए मेरी आपसे एक ही गुजारिश है नॉर्मल प्राइज नहीं लेते क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ बट एक ऐसा प्राइज लेते हैं क्योंकि मैं खुद जू बीच के सामने रहता हूँ मेरा घर इधर ही है उसके पहले इधर था अभी इधर है इधर ही रहता हूँ बीच पे अगर हम लोग सब बीच को क्लीन करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप मुझ पे आप मुझे ये बीच पे रोज देखोगे रोज मैं बचपन में जेन्युइनली यार क्रिकेट खेलने आता था फुटबॉल खेलने आता था और मुझे आज तक भी याद है कि जब बॉल पानी के अंदर जाता था मैं खुद भाग के जाता था और जब घर जाता था अपने स्कूल यूनिफॉर्म में पूरा भीगा होता था मम्मी पूछती थी क्या हो गया तेरे को स्कूल में भीग के कैसे आया तो कहता नहीं वो जूबीच गया था मैं सो प्लीज लेट्स डू दैट सो दैट ऑल ऑफ अस कैन कम हियर वी कैन प्ले स्पोर्ट्स फैमिली या वक्त बिता सकती है वी कैन प्ले एंजॉय और हम लोग बता सकते हैं कि जितने भी अच्छे बीच है बाहर गाँव में मायामी ले लो किधर भी वी कैन बी बेटर देन ऑल दोस बीचेस हां प्लीज अरे बाद में हम आपको बोलेंगे जब I think it's a wonderful initiative and it's time now and so many such initiatives have started all across India. India is known for its rich culture, for beautiful people. How we all different religions, castes, we all live so peacefully together. So I think it's high time that Mother Nature, you know, which is such a big part of our culture, Ayurveda is known from India. So I think it's high time we start taking care of this. And I think this is a beautiful initiative, Save the Beach.
so many like-minded, these very powerful women that have come together to make sure that we all do this. I think a big hand for them. Okay, so I've been told that they all are from Earth Network. Look, not all, some of them, and Karuna, meri mummy ka bhi naam hai, to ye achhi. Kal hoga. Forward 69 initiative, ye sab naam, please yaad rakhega. Acha, aur ek street play. Okay, to hum log sab shant nukkar natak hone wala hai, hum sab ke liye bhi. To manoranjan hone wala hai, please hum in sab artists ko ek chance denge. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अर्थ इंडिया नेटवर्क और स्मिता पाटिल स्ट्रीट थिएटर की ओर से। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे आए हैं, जो हमारा ये समंदर है, ये जो बीच है, यहाँ हम घूमने आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो कुछ भी खाते हैं या प्लास्टिक डालते हैं, क्या होता है उसकी वजह से देखेंगे इस नाटक की ओर से। तो साधु के नाटक बीच बचाओ। अरे कहाँ गए यार ये मेरे लोग, दोस्त लोग को बोला था मैंने कि 5:30 बजे स्टैचू के सामने आके खड़े रहना है, हम लोग काम करना है, पर ये लेट लतीफ लोग कभी टाइम पर आएंगे ही नहीं। धन साहब भी आ गए पर मेरे दोस्त लोग भी आए यार। ये राहुल, बोलो बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो।
सबसे अच्छा बात मैं बता दूं, आप सब लोगों को डॉगी तो पता है ना, डॉगी पता है कि नहीं? नहीं पता है। कुत्ता कुत्ता क्या करता है मालूम है? क्या करता है? कुत्ता क्या करता है मालूम है आपको? जब भी उसी का किसी जगह पर बैठना होगा ना, तो अपनी वो पूछ से पहले जगह वो साफ कर लेता है, उसके बाद बैठता है हमें वो एक वरदान दिया गया है ऊपर वाले की ओर से, हम लोग वो स्वच्छ रखना चाहिए और सिर्फ ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमको ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। और जो लोग बाहर के शहरों में जाते हैं उन्हें पूछिए कि बीच का महत्व क्या है, हम लोग महत्व नहीं रखते, हम लोग अगर आज बोलेंगे यहाँ कचरे का डिब्बा नहीं है, यहाँ लाके रखो, बोलते हैं बड़े कचरे की पेटी में सारा, यही संदेश हमारा, यही संदेश हमारा। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे जो पीच के साफ करते हैं 6 बजे से रात 6 बजे तक, और फिर से अगेन सुबह 6 बजे से कम टाइम से मनाते हैं। हम लोग अपने हाथों से पूरे पीच को माइनस क्लीन करते हैं। दिस इज योर टीम। बताना बहुत जरूरी है कि इन लेबरर्स ने पिछले 6 दिन में 2800 टन कचरा निकाला है। 2800 टन अपने घर पर भी नहीं निकाल सकते। दिखने दो, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको रखो, लेकिन उनको दिखने दो, जिसके लिए फोटो निकला उसका फोटो दिखने दो। देखा आप लोग आ गए, देखो अभी कैसे रहा। पहली धमा
दादा खाली था प्लीज 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 प्लास्टिक बचाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ, सही बात है। पहले खुद तो चलो भाई, हर जगह पे आपको पता चलेगा कैसे हो रहा है। भाई कैमरा सर 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 निभा रहे हैं, कितने हैं उनको। परेश जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, तो ऑब्वियसली उनको कभी भी देखने के लिए मन हमेशा उत्सुक होता है। वेरी एक्साइटेड टू सी हिम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सर। एक मिनट।